वाराणसी इन सब के बाद कोई सबसे हॉट सीट है तो वो है गाजीपुर। वाह क्या शुभारंभ, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। बाहुबली मुख्तार और अफजाल अंसारी का दबदबा यहाँ पर लंबे वक्त तक चला। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार चुनाव बिल्कुल दिख रहा है गाजीपुर का। गरीबों का मसीहा फिर पुनः चुनाव जीतने जा रहा है। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। पहुंच गए हैं अब गाजीपुर। गाजीपुर को पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट कहा जाता है। जोशों जुनून यहां पर भी जबरदस्त है, लेकिन देखिए नीम अफीम की खेती के लिए जाने जाने वाले गाजीपुर में लंबे वक्त तक, कई दशकों तक अंसारी परिवार का दबदबा चला है। बाहुबली मुख्तार और अफजाल अंसारी का दबदबा यहाँ पर लंबे वक्त तक चला। अब मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद वही अफजाल अंसारी जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की थी, वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझिए, क्योंकि अभी अभी मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु हो गई, उसके बाद अफजाल अंसारी को लेकर और पूरे जो मुस्लिम वोट बैंक हो उसको लेकर पॉलिटिक्स करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, और इसीलिए अफजाल अंसारी को इस बार यहाँ गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी मनोज सिन्हा तीन ही बार जीती बीजेपी, लेकिन मनोज सिन्हा यहाँ से जीते। पिछली बार जब अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर उतरा था तब हार गई थी बीजेपी, हार गए थे मनोज सिन्हा। लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला चलेगा क्या, अफजाल अंसारी का एक बार फिर से दबदबा या बीजेपी वापस अपनी सीट हासिल करेगी? आइए बात करते हैं जनता से। गाजीपुर को पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट कहा जाता है। कहती है गाजीपुर की जनता, लोगों से जानते हैं शंख के साथ। वाह क्या शुभारंभ, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। गाजीपुर की जनता आ जाइए अपनी बात बताने के लिए। और कह रहे हैं पंडित पठान की जोड़ी बहुत मशहूर है। हम लोग महाराजा धीराजगारी क्षेत्र महा पुत्र वंश विश्वामित्र सते जमानिया क्षेत्र महापुर स्वामी जन्म थे अयोध्या नंद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र गुरु क्षेत्र महा सप्तऋषि भू मंडल जन्म स्थान थे। ऐसे सप्तऋषि ऋषियों के धरातल पे आपका हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप दीर्घजीवी चिरंजीवी रहें, ऐसे जगदम्बा स्वरूप जननी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर अत्यंत सुंदर आया, बहुत सुंदर चुनाव हो रहा है। सुंदर चुनाव हो रहा है। सुंदर चुनाव क्या होता है? सुंदरता की, क्योंकि इसमें जीतने वाली चुनाव है ये। किसके जीतने की? भाजपा का। क्यों? इस नाते यहाँ पे विकास भी हुआ है। मुख्तार और अफजाल का दबदबा चलता था, अब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी खत्म हो गया है। जितने भी सरकार ने हमसे वादे किए हैं, जो भी वादे किए हैं, उन वादों पर सरकार को खड़ा उतरना चाहिए। इसलिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारा चीज मालूम है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो अफजाल अंसारी इस बार चुनावी मैदान में उतरे, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए पार्टी है तो पार्टी, हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी ही। अब उससे कौन किससे आता है, कौन किससे आता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहुबली चुनावी मैदान में? ये चुनाव जो है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। क्या है राष्ट्रीय मुद्दा? राष्ट्रीय मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सब मुद्दा राष्ट्रीय है। आप लोग बताइए आपकी क्या राय है, आपका मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा मैं महंगाई, बेरोजगारी और मैडम बहुत परेशानी है। महंगाई तो सबसे ज्यादा है, सिलेंडर बहुत महंगा है, सिलेंडर हो गया, बच्चों का सांसद चुनने वाला इस हो गया, ये सब हो गया, बहुत महंगा हो गया मैडम, जिससे हम लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटे छोटे बिजनेस वाले, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा सांसद वाला चुनाव है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी जो की माफिया डॉन की तरफ पूरा परिवार जाना जाता है, तो आपको कौन लगता है बेहतर सांसद कौन होगा? वो अच्छे आदमी है, ये नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी अच्छे आदमी थे, मेरे लड़के थे, उनके पास गए थे, काम था तो करवाए थे, अच्छे आदमी है। हम लोग को ना जो पहले सरकार थी वो अच्छी थी कांग्रेस। महंगाई बेरोजगारी नहीं है सर, बेरोजगारी नहीं है। अच्छे छात्रों के लिए आज भी नौकरी है, अच्छे छात्रों के लिए, जीनियर छात्रों के लिए आज भी नौकरी है, और जीनियर छात्र इस सरकार में बिना पैसे की नौकरी पाए हैं, एक पैसा घूस नहीं लगा है। हमारा बालक SDO हुआ है, पांच
जी देखिए, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस बांटा है और सारे महिलाओं को सुविधा हुआ है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार चुनाव बिल्कुल दिख रहा है गाजीपुर का। बात कह रहे हैं अभी लोग की मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की, गाजीपुर की पूरी पीढ़ी और नस्ल को इन्होंने बर्बाद किया है। 2000 से लेकर के 2015-17 तक जो दौर चला, कितने लोगों की हत्याएं हुई कोई गिनती नहीं है। इस बार गाजीपुर की जनता अपराध को पूर्णतः समाप्त करने वाली है, क्योंकि इनकी पूरी शक्ति और पूरी ताकत इनकी कुर्सी में टिकी हुई है, और इस बार गाजीपुर की जनता इनको कुर्सी से उतार के फेंक देगी। निश्चित रूप से अपराध पूरी तरह से गाजीपुर से समाप्त। आप बताइए, आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी? इसलिए कि यहाँ बहुत विकास हुआ, मनोज सिन्हा के समय यहाँ पुल बना, रोड बना, तमाम। तो मनोज जी हार गए। नहीं, यो सपा बसपा के गठबंधन से आज पब्लिक पछता रही है, और इस बार निश्चित तौर से लाखों वोट से जिताएगी। वोटर की गलती हो गई। गलती हो गई, पछता रहे हैं। जो विकास मनोज सिन्हा ने किया है वो आज तक गाजीपुर के इतिहास में नहीं हुआ है। मैडम, इस बार गरीबों का मसीहा फिर पुनः चुनाव जीतने जा रहा है। लोग अफजाल अंसारी, लोग और मीडिया बताती है कि माफिया है, जबकि वो आदमी गरीबों की मदद करने वाला है। आपराधिक केस जिस पर है उसको क्या बोला जाए? आरती उतारा जाए? विद्वेषी प्रण से किसी को ऊपर लादा जा सकता है, लेकिन वो आदमी वास्तव में राजनीतिक व्यक्ति है। मैडम, इस बार सपा ने असल माफिया को टिकट दिया है और भाजपा ने नकल माफिया को टिकट दिया। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर उमेश सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे करके, ने कोई नहीं, 2.5 लाख बहुजन समाज पार्टी का वोट है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 तक जो माननीय मनोज सिन्हा जी ने विकास की गंगा बहाई थी उसको गति प्रदान करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और सशक्त राष्ट्र। ये जो यहाँ पर बार बार माफिया डॉन, आपराधिक केसेस वाले अफजाल अंसारी को बार बार टिकट मिलता है, इस पर आप लोगों की क्या राय? इस बार गाजीपुर में माफिया वर्सेस मास्टर के बनाम चुनाव होने जा रहा है, और जो 2019 से 24 तक का वो विकास जो मनोज जी ने गाजीपुर में किया था, वही विकास फिर पारस जी चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे और विकास की फिर नई धारा। ये आपका ये इस बार गाजीपुर जिले का चुनाव होने जा रहा है कट्टा बनाम कलम का, ठीक है? कलम जीतेगा, कट्टा हारेगा। माफिया राज गाजीपुर से बिल्कुल रूप से खत्म हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। सर ने बताया गरीबों के मसीहा अफजाल अंसारी हैं, गरीबों के मसीहा सही मामले में नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने गरीबों को आवास दिया, आयुष्मान योजना से 5 लाख की फ्री इलाज दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दिया। रही बात गाजीपुर के चुनाव की, गाजीपुर में 70 साल में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया जो यहाँ पर विकास की राजनीति करे। माननीय मनोज सिन्हा जी ने यहाँ गाजीपुर को 4 लेन सड़कों के जाल बिछाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दी, रेलवे का दोहरीकरण दिया, रेलवे स्टेशन दिया और ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी। यहाँ से गाजीपुर जो पिछले जिलों में आता था अब अग्रणी जिलों में आ रहा है। पूर्व की में जो अपराध का तांडव था, कोई ऐसा बहन और भाई नहीं बचा जिनको इन लोगों ने शूटर बनाया, अपराधी बनाया, और कोई एक दिन बाकी नहीं रहता था, एक कत्ल, दो कत्ल, सात सात कत्ल होते थे। अब ये लोग कह रहे हैं ये अध्यापक चुनाव लड़ रहा है, ये शूटर तो नहीं बना रहा है ना, ये लोग शूटर बनाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कट्टा वर्सेस कलम की लड़ाई है। देखिए, एक बसपा ही यहाँ से चुनाव जीतेगी, क्योंकि छात्र नेता चुनाव लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ एक नकल माफिया लड़ रहा है। बोल रहे हैं रोजगार, जो पढ़े लिखे छात्र है, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे नौकरी मिली है। मैं मन्नापुरम फाइनेंस गोल्ड लोन केरल में अभी अप्रूवल हो गया है, नेक्स्ट मंथ में मैं ज्वाइन कर लूंगा। जो पढ़े लिखे छात्र है उनको नौकरियां सरकार प्रोवाइड करा रही है। मैम देखिए, एक तो विकास है हमारे गाजीपुर में, अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए काली पट्टी बांध के देख रहा है। चलती हुई ट्रेन, जो ट्रेन यहाँ से चल रही है ताड़ी घाट के लिए, यहाँ पे रेलवे ट्रेनिंग सेंटर बना, यहाँ से दिल्ली बम्बई के लिए सब जगह ट्रेन गई, और ईश्वर जिसके साथ है, राम जिसके साथ है, सरकार तो उसी की आएगी, वही जीतेगा। ये सवाल पूछा जाता है कि भगवान और जय श्री राम तो ठीक है, लेकिन धर्म से पेट नहीं भरता ना, रोजी रोटी वो भी चाहिए। जाके धर्म देखिए, अयोध्या में जमीन की कीमत पूरे विश्व में सबसे महंगी हो गई है, वहाँ तो खूब पैसा चल रहा है। अयोध्या में विश्व जी आस्था तृप्ति और संतुष्टि देती है, और संतुष्टि निश्चित तौर पे, और एक मनुष्य की जो अगर संतुष्टि प्राप्त हो जाए, तृप्ति प्राप्त हो जाए, तो उसका जीवन धन्य हो जाए। गाजीपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही पिछड़ा है। तमाम विकास के वादे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है,
डॉक्टर नहीं है। ये निस्संदेह गाजीपुर में बहुत विकास हुआ है, मनोज सिन्हा के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है, लेकिन आगे आगे भी उनसे यही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में भी कार्य करे। शिक्षा पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी फीसें बढ़ा रही है, NIFT 4 साल पहले 1 लाख रुपया फीस थी, आज 4 लाख हो गया, और डेली मतलब एक दिन का अगर 100 रुपया लेट पेमेंट फीस है उस पे 18% GST ली जाती है, फार्म भरने पे GST ली जाती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बता रहे फीस बढ़ रही है, तो हर स्कूलों में जो है सुविधाएं बढ़ रही है, और बच्चों की एजुकेशन में क्या नाम है कि बढ़ोतरी हुई है, और जो बच्चों के पहले जो एजुकेशन थे और आज के उसमें तुलना करेंगे तो बच्चे उसमें संतुष्ट हैं, और स्थानीय स्तर पर भी विकास हुआ। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने विपक्ष वाले जो शिक्षा माफिया कहा था, मुलायम सिंह की सरकार को उठाइए और मानी महाराज की सरकार उठाइए और देखिए क्या नाम है कि उन्होंने कितना नकल करवाया है और क्या करवाया है, और योगी जी की सरकार ने नकल माफियाओं का कमर तोड़ दिया है। मेरा नाम रवि प्रकाश, मैं स्थानीय बात पे बात करना चाहता हूँ। अभी लोगों ने कहा है यहाँ पे किसी ने कि यहाँ पे गरीबों का मसीहा, हम सभी लोग जानते हैं मऊ दंगा हुआ था, वहाँ बाल्टा लेकर के यादवों का गला काट दिया गया था, क्या वो गरीब नहीं थे, वो बहुत अमीर थे। ऐसे व्यक्ति को अभी बसपा के कुछ लोग कह रहे थे कि बसपा से किसी सज्जन को टिकट मिला बहुत अच्छे हैं, इसके पूर्व में वो बसपा के ही सांसद थे। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब अफजल अंसारी बसपा से लड़े थे तो क्या वो माफिया नहीं थे? जब BSP टिकट दे अफजल अंसारी को तब वो माफिया नहीं था, क्यों दिया? बहन मायावती ने अफजल अंसारी, देखिए वो सपा और भाजपा जो यहाँ सपा और भाजपा की फिर जलेबी वापस 2019 में 19 क्यों नहीं पूछे? अरे अफजल अंसारी था कि नहीं माफिया? वही माफिया ही होता है, माफिया। ये लोग माने कि शिक्षा माफिया इनका प्रत्याशी है, जो डिग्री बेचता था वही इनका माफिया है, डिग्री बेचने वाले को प्रत्याशी बनाए हैं, और जो सरस्वती को बेचता है वो माफिया है। एक ईट नहीं रख पाए अफजल अंसारी सांसद थे, एक ईट नहीं रख पाए, अगर कोई ईट रख दिया बता दे, अफजल अंसारी एक भी ईट नहीं रख पाए, मनोज सिन्हा एक ईट नहीं रख पाए, कोई विकास नहीं कर पाए हैं। मनोज सिन्हा के बाद अभी 5 साल बीत गया, कोई विकास नहीं हुआ है, बसपा के सांसद थे, और इस बार मोदी जी का लक्ष्य है 400। गाजीपुर में ऐसा सांसद चाहिए, क्योंकि कह रहे 400 पार आई कहां से? यही तो कह रहे, गाजीपुर से अब वो शुरुआत होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में देखे अदर पार्टी, रूरल पार्टी कुछ और थी, सीटिंग पार्टी कुछ और थी, लेकिन आने वाले समय में हमको सिर्फ ऐसी सांसद चाहिए जो सेंट्रल में भी सरकार हो और यूपी में भी सरकार हो, डबल इंजन की सरकार से गाजीपुर की प्रगति हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए। BSP को उसने धोखा दिया है, वो कहता था मैं गरीबों का मसीहा हूँ और सामंतों की गोद में जाकर के बैठ गया। आज इनको ज्ञान हुआ है कि अफजल अंसारी माफिया था और माफिया का उसका भाई भी माफिया था, और गाजीपुर की राजनीति में ये सिर्फ और कुछ नहीं किए हैं। गाजीपुर के विकास में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने विकास किया है, वो मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा के बाद 2019 से जो 24 का था विकास गाजीपुर में एक भी नहीं पाया। बहुत धन्यवाद गाजीपुर की जनता ने, अपने संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है।